Assalamu alaikum. Hope that everyone is fine. सो मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी पास पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं सो दैट दिस गोना हेल्प यू आउट इन फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिपेशन ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रूल ऑफ लॉ इज़ हॉल मार्क ऑफ एडमिन लॉ कैन यू एक्सप्लेन द थ्योरी एडवांस्ड बाई डाइसी एंड इट्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्लस क्रिटिकल एग्जाम विथ फ्रेंच कॉन्सेप्ट ड्रॉइथ एडमिनिस्ट्रेटिव आप लोगों ने जी सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है द रूल ऑफ लॉ इज़ ए हॉल मार्क ऑफ एडमिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सबसे पहले आपने ये डिस्क्राइब uh, करना है जी फिर आपने एक ही क्वेश्चन में तीन चार चीज़ें पूछी हुई हैं फिर जी आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है कैन यू एक्सप्लेन द थ्योरी एडवांस बाय डाइसी डाइसी ने जो थ्योरी को मोर उसमें एडवांसमेंट लाई थी डाइसी uh, uh, ने वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है एंड इट्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट प्लस आपने इसका uh, जो है क्रिटिसिजम आप लोगों ने फाइंड करना है लिखना है क्रिटिसिज्म विथ फ्रेंच कॉन्सेप्ट ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ क्वेश्चन नंबर टू है जी व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बताना है कि वह क्या होती है उसको क्लासिफाई बताना है उसकी क्लासिफिकेशंस बतानी है इज देर एनी लिमिटेशन ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिमिटेशंस आपने बतानी हैं अगर कोई हैं तो ऑल्सो स्टेट रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ की क्या हैं क्यों इसको ग्रो किया गया इसकी ग्रोथ क्यों ज़्यादा की गई वो आप लोगों ने रीजन बतानी है क्वेश्चन नंबर थ्री है जी वट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स एट फेडरल लेवल फेडरल लेवल पर बर्ड्समैन की इम्पोर्टेंस क्या है क्या हिमयत है उसकी इज दिस इंस्टीट्यूशन अफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग रेमडी टू ए ग्रीव्ड पर्सन क्या ये इंस्टीट्यूशन जो है ग्रीव्ड पर्सन को रेमेडी प्रोवाइड uh, करता है उसके लिए इफेक्टिव है या नहीं क्वेश्चन नंबर फोर है जी अंडर वट सर्कमस्टांसिस सर्विसज ऑफ ए सिविल सर्वेंट कैन भी टर्मिनेट विदाउट नोटिस जो एक सिविल सर्वेंट होता है नोटिस दिए बगैर उसकी सर्विसेज को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है कैसे खत्म किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर फाइव है जी प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू ऑब्जर्व बाय एन इंक्वायरी ऑफिसर ड्यूरिंग एन इंक्वायरी ऑफ एक्यूज पर्सन जो एक एक्यूज पर्सन होता है जो मुलजिम होता है जब उसकी इंक्वायरी ऑफिसर करता है तो वो प्रोसीजर सारा लिखना है इंक्वायरी ऑफिसर का कि वो किस तरह से एक्यूज का जो है उसको इंक्वायर करता है अंडर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट ई एन डी रूल्स ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जिसके मैंने आप लोगों के साथ जी डिस्कस किए हैं फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट विच इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑर्की ए यूनिक प्लेस इन एडमिन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो एक आ, अपने एक अलग ही उसकी एक जगह है प्लीज़ एलेबोरेट इसको आपने एलेबोरेट करना है मतलब डिटेल में बताना है एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन डिटेल और डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है Question number 7 is to define and explain the following under Civil Servant Act probation confirmation and seniority. Question number 8 is to explain in detail the following promotion termination of service employment after retirement. क्वेश्चन नंबर नाइन है जी व्हाट डू यू नो अबाउट जुडिशियल रिव्यू जुडिशल रिव्यू के बारे में आप क्या जानते हैं प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल द लैम मा केस ऑफ जुडिशल रिव्यू मार्बे वर्सेस मेडिसन 1803 एंड मैकेलक वर्सेस मेडिलैंड 1819 ये जी एल पार्ट वन में थ्री ईयर्स एल पार्ट वन में जो ब्रिटिश uh, कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये क्वेश्चन है जी जुडिशियल रिव्यू का आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें मजीद डाटा एड करके तो आप ये क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है जी वट आर द वेरियस प्रयोगेटिव रिट्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ अवेलेबल

नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर इलेवन डिफाइन एंड एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्लीज अला प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स अगेन ये भी जो है एल पार्ट वन में यूके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था टॉपिक तो था यह क्वेश्चन था लेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव दैट इज़ यूके यूएसए एंड पाकिस्तान आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर को तो डिफाइन करना ही करना है साथ ही साथ आपने सेपरेशन ऑफ पावर जो है पा इसका जो कंपैरेटिव uh, जो डिफरेंस है यूके यूएसए एंड पाकिस्तान में ये किस किस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से प्रिवेल करता है आप लोगों ने वो भी डिस्कस करना है इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम ऑल्सो डिस्कस द ब्रीच ऑफ दिस वैल्यू ये जो ऑल्ट्रम पार्टम है ये एक लैटिन टर्म है लीगल टर्म है जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन है जी जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और एक्शन पहले जी सिंपल जुडिशियल रिव्यू था ये है जी जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और एक्शन आप लोगों ने क्या करना है जुडिशियल रिव्यू को लिख कर ही बीच में आप लोगों ने एक्स्ट्रा से एक हेडिंग देकर जुडि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और एक्शन आप लोगों ने इसको थोड़ा सा कोई दो तीन पेजेस में इसकी डिटेल आप लोगों ने दे देनी है ये कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि वो कौन सा जुडिशियल रिव्यू और ये कौन सा है दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी है क्वेश्चन नंबर 14 है जी डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ़ एडमिन लॉ एंड इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आप लोगों ने डिफाइन करना है इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ का बताना है कि किस तरह से ये डेवलप हुआ किस तरह से इसकी ग्रोथ हुई और किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डिफ़र करता है आप लोगों ने ये भी बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है जी व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ आप लोगों ने बतानी है कि उसका क्या मतलब है वेय अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं जब ऑर्डर पास कर देते हैं तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो है वो कहाँ पर फाइल की जा सकती है हाउ इंडिपेंडेंट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन पाकिस्तान पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जो उनकी वर्किंग कितनी इंडिपेंडेंट है ये आप लोगों ने बताना है मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट जी सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट क्वेश्चन नंबर वन इज अपील बिफोर सर्विस ट्राइब्यूनल सर्विस ट्राइब्यूनल के सामने अगर आप लोगों ने कोई अपील वहां पर करनी हो तो वो किस तरह से की जाती है क्वेश्चन नंबर टू है जी टर्मिनेशन विदाउट नोटिस अगर आपने नोटिस के बगैर किसी सिविल सर्वेंट को आपने टर्मिनेट करना हो वो किस तरह से आप करेंगे उसका प्रोसीजर क्या है थर्ड क्वेश्चन है जी प्रोसीजर फॉर हेयरिंग अपील अपील किस तरह से जो सर्विस ट्राइब्यूनल है जब अपील उनके पास कोई जाती है किसी चीज़ के नाम अपील करते हैं तो वो किस तरह से अपील को डील करती है क्या उसका तरीकाकार है प्रोसीजर क्या है ये आपने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर फोर इज जी पेनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये थे जी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए पास्ट पेपर्स में ये बार बार यही क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं बट मोर थिंक जी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट एक्ट का हमारा जो है हिस्सा है जैसे कि जी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया था डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग अंडर सिविल सर्वेंट प्रोबेशन कन्फर्मेशन और सीरिटी ये भी हमारे सिविल सर्वेंट एक्ट में आएगा जी क्वेश्चन उसके बाद जी एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉलोइंग प्रमोशन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट ये भी हमारा सिविल सर्वेंट का जी हिस्सा है उस पार्ट से हमें क्वेश्चन आएगा तो जी फिफ्टीन क्वेश्चन हमारे पार्ट वन से थे और सेकंड पार्ट से जी हमारे फोर क्वेश्चन थे आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़